और जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह छठ पूजा का जो आयोजन है विशेष तौर पर तीनचुकिया में देखा जाता है कि हजारों की संख्या में जो घाट है, घाट में हजारों की संख्या में जो छठ के व्रती होते हैं, छठ व्रत जो पालन करते हैं, उनकी भीड़ देखी जाती है। और मैं फिलहाल उपस्थित हूँ तीनचुकिया के नौ पोखरी जो पार्क है, पार्क के आगे, और देख सकते हैं आप किस तरह का जो विजुअल है। पीछे का दृश्य एक बार दिखा लेना चाहूँगा किस तरह यहाँ भी हजारों की संख्या में जो है भक्त यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जो नौ पुखरी जो छठ पूजा समिति के लोग हैं मेरे साथ उपस्थित हैं, और उनसे मैं सीधे जान लेना चाहूँगा कि किस तरह का इस बार आयोजन रहा है और क्या कहेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, क्या कहेंगे, किस तरह का आयोजन रहा है? हमारे नौ पोखरी छठ पूजा कमेटी, आपके न्यूज़ के माध्यम से आप सभी न्यूजवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत सारा समय निकाल कर और हमारे छठ पूजा घाट पे आकर पूरे सहयोग किए और सब जगह आपने प्रचार किया और दिखाया। और सभी व्रतधारियों से मेरा नर निवेदन है कि आप लोग सभी आकर नौ पोखरी छठ पूजे घाट पे पूजन किए शांतिपूर्वक, और आगे कल सुबह का भी छठ पूजन इसी तरह शांतिपूर्वक हो, इससे मैं आप लोग सभी को आभार व्यक्त करता हूँ। कितनी भीड़ होगी इस बार? करीब करीब 8 से 10 हज़ार करीब आदमी का भीड़ है, और हर साल के बासी इस साल और काफ़ी भीड़ हुआ है। मुझे इतने ऐसे नहीं था कि इतनी भीड़ होगी, जो कि इस साल हर साल के भांति इस साल बहुत काफ़ी भीड़ हुई है। और भीड़ को कंट्रोल करने में हमारे कमेटी के मेंबर सारे लोगों का सहयोग मिला है, और सभी को शांतिपूर्वक से इसमें सहयोग कर भीड़ को कंट्रोल किए। जी जी, आपके पास भी आऊँगा। काफ़ी कठिन होता है इस तरह का जो सुविधा, कोई कठिनाई ना हो, कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो, इस तरह का सुविधा आप लोग जो प्रदान करते हैं, किस तरह का जो इस बार आयोजन रहा है और इस बार कैसा आप लोगों ने सुविधा दिया है, मैं थोड़ा जानना। कमेटी के जितने जो मेंबर हैं, हमारे जितने भी जो समाज सेवक लोग हैं, सबको सहयोग देते हैं। ललन भाई आपका भी कोऑपरेशन रहता है, लेकिन अभी जो खुशी महसूस हो रहा है सब करने के बाद में, जो संतुष्ट होकर व्रतधारी यहाँ से जाते हैं, जो भीड़ हम लोग देखता है तो दिल गदगद हो जाता है कि माँ के सेवा में सब कोई हम लोग हाजिर है, और यहाँ समाज के विभिन्न वर्ग के हम लोग हैं और सब कोई का कोऑपरेशन रहता है। मतलब इतना खुशी होता है कि कहने के लिए कोई मतलब ये बोल के नहीं है। और नौ पोखरी छठ पूजा कमेटी छठी मैया से यही आह्वान करेगा कि हमारे समस्त असम में और तिनसुकिया में सुख शांति का बिहार बहे, आपसी भाईचारा बढ़े, और हमारा असम जो है और डेवलप हो, हमारे असम का भविष्य उज्ज्वल हो। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, और इस तरह के प्रोग्राम से समाज में एकता और भावना, सद्भावना की भावना बढ़ती है, यही है। और मैं यहाँ पे प्रोग्राम है वो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ है, वो अच्छी तरह से अच्छा लग रहा है। जी हाँ, और किस तरह का जो छठ पूजा का आयोजन किया गया है, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सक्लूसिव जो विजुअल है ड्रोन के द्वारा हमने जो कवरेज किया है आप तक पहुँचाया, और इसीलिए हम और एक पूजा में जो और एक पूजा का जो आयोजन किया गया है वहाँ उपस्थित हुए थे। और एक बार फिर से जो ड्रोन का जो विजुअल है, जो नौ पोखरी जो छठ पूजा कमेटी के द्वारा जो आयोजित जो छठ पूजा है, यहाँ का जो विजुअल है, आइए आपको दिखा लेते हैं।